स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर है उनकी बुक्स के बारे में और कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सी बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोग सभी लोग देखेंगे बुक्स के बारे में। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं इस वीडियो में आप सभी लोगों की डी फार्मा फर्स्ट ईयर की बुक्स और कितने रुपए की रहेंगी, क्या प्राइस रहेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। और फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई कमेंट, कोई अच्छी बात सूझ रही हो दिमाग में तो फिर वो भी बता देना। अगर कोई कमी रह जाती है या कोई कंफ्यूजन है वो भी कमेंट कर देना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये बात करते हैं, देखिए आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं। ओके, तो पहला हो गया हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, और इनके राइटर हैं R.N. मेहता। ये बहुत अच्छे राइटर हैं और ये फार्मास्यूटिक जो सब्जेक्ट है डी फार्मा में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि दवाइयां कैसे बनती हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी मशीनों का यूज होता है, इसी में सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो ध्यान से देख लीजिए इस सब्जेक्ट नेम को, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ओके, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप डी फार्मा किस पर्पज से कर रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर बताना, तो आपको इसी से रिलेटेड एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, तो देखिए इसका प्राइस कितना है ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 200 रुपीज है इसका प्राइस लोकल। ओके, और आपको पांचों बुक्स 1000 रुपए में मिल जाएंगी आराम से। ठीक है, तो इसका 200 रुपीज प्राइस है फार्मास्यूटिक्स का। अगर आप सिलेबस चाहते हैं देखना तो मैं दिखा देती हूँ कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो ये देखिए ओनली 16 लेसन है इसमें, और ये डी फार्मा के लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है, क्योंकि यहाँ पे वही टॉपिक्स लिखे रहते हैं जो एक फार्मासिस्ट स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ओके, तो आप एग्जाम दोगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फिर फार्मासिस्ट तो बन ही जाओगे, और फिर जो भी दिक्कत रहेगी नोट्स टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके टॉपिक का वीडियो भी बन जाएगा और आपको सभी हेल्प मिलती रहती है। और अगर चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को जरूर चेक करना सभी लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका सिलेबस हो गया। अब आइए नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मोटी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है, तो इसका साइज देखिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहां से लेके बस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है इसका साइज। और ये छोटी है, जैसे कि एक गाइड टाइप की नहीं होती MBSC वगैरह की वैसी, और मोटाई में ज्यादा मोटी नहीं है, मीडियम, जैसे कि एक कोई मीडियम साइज का रजिस्टर होता है। ओके, अब आइए दूसरी बुक देखते हैं, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है फार्माकोग्नोसी। इसका फार्मेसी में बहुत ज्यादा रोल है, दवाइयों में कौन से एजेंट पड़ेंगे, कौन से कलर की बनेगी, कलरिंग एजेंट इन सब का, और टेस्ट अकॉर्डिंग टू फार्माकोग्नोसी, कौन से पौधे से दवाइयां मिल रही हैं, कौन से, बहुत सारा कुछ रहता है इस बुक में। तो देखिए यहाँ पे फूल बना हुआ है और फार्माकोग्नोसी लिखा हुआ है, और इनके राइटर हैं K.N. अरोड़ा और N. मुर्गेश, इनके भी राइटर हैं। ओके, ठीक है, और इसका प्राइस देख लेते हैं, इसका प्राइस है 150 रुपीज है इसका प्राइस, और बहुत ही इजी है इसमें आपके, मतलब कि लर्न करने का ज्यादा रहता है इसमें आपके, 29 लेसन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे लेसन है, बुक ज्यादा मोटी नहीं है, देख लीजिए आप लोग, परेशान मत होइएगा, बस इतनी मोटी है बुक, ज्यादा मोटी नहीं है, बस छोटे लेसन ही इस वजह से ज्यादा डिवाइड हुए हैं। ठीक, और ये हो गए इनके राइटर, और ये फार्माकोग्नोसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इसका फार्मेसी में। तो ये हो गई सेकेंड बुक हमारी। अब आइए थर्ड बुक देख लेते हैं थर्ड बुक के बारे में। तो थर्ड बुक हमारी रही ये सोशल फार्मेसी की। देखिए पहले इसका नाम था हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फार्मेसी, और अब इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट का नाम चेंज करके सोशल फार्मेसी कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो ऐसे ही आपको N. मुर्गेश राइटर हैं इनके भी,
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है सोशल फार्मेसी। इससे क्या होता है कि सोशल वर्क में, जैसे समाज में कैसे फार्मेसी का वर्क किया जाता है और एक फार्मासिस्ट को क्या क्या नॉलेज रहनी चाहिए फार्मेसी के बारे में, कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, ये सब सोशल फार्मेसी में बताया गया है। ठीक है, तो इसका रुपए है 200 रुपए। और अब आइए दूसरी बुक देखते हैं, और शायद आपके एरिया में प्राइस का कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि राइटर सेम है, बुक हमारी ज्यादा मोटी भी नहीं है। नेक्स्ट बुक है बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही बोल सकते हैं आप, ज्यादा वो नहीं है। एंड डॉक्टर एन मुर्गेस, ये भी राइटर है, और बहुत ही मतलब कि ह्यूमन के बॉडी में क्या क्या है उसके बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है। ये रहा इसका प्राइस 200 रुपए, और इसमें लेसन आपको 23 पढ़ने पड़ेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और अगर आप लोग बुक नहीं खरीद सकते हो तो मैं इसी बुक से आप लोगों का सिलेबस कवर करवा रही हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आपकी दीदी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एग्जाम में 100% आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप वीडियोज देख सकते हैं आपके सीनियर्स के, ओके, तो कैसे हेल्प हुई है उनको हमसे। तो देखिए, ये हो गई हमारी चार बुक, और एक बुक रहती है फार्मास्यूटिकल, एक बुक रहती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, वो अभी हमारे पास है नहीं, मैंने किसी को दे दी थी, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और हम लोग जब पढ़ते थे तब ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट था, बट इस सब्जेक्ट को अब अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डी फार्मा सेकेंड ईयर में चेंज कर दिया गया है। तो आप भी इस बुक को देख के जरूर जाओ, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर बुक नहीं लेते हो तो फिर अगर इस चैनल तक पहुंच गए हो तो आपकी हेल्प 100% होगी, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ इन्हीं बुक से, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, और मुझे पता भी है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है ये बुक, और इसका प्राइस देखिए कितना है, सेम वही 200 रुपए प्राइस है। और इसका सिलेबस में ओनली 10 सब्जेक्ट है, जो कि डिफिकल्ट था, इस वजह से बहुत अच्छा किया गया है कि इस सब्जेक्ट को उठा के डिफार्मा सेकेंड ईयर में कर दिया गया है, ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू सिलेबस में अपना एडमिशन लिए हैं। और आई होप आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी कमेंट है, आपका क्वेरी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने जो नहीं बताया है, आप कमेंट करके फटाक से पूछ सकते हो, आपकी दीदी आपका सपोर्ट हरदम करेगी, बस आपके लव एंड सपोर्ट की जरूरत। बुक खरीदने से पहले आप एक बार डी फार्मा का सिलेबस और वीडियोस जरूर देखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आगे चल के बिल्कुल भी परेशानियां नहीं होंगी। और इनके क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाओगे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो इसका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सभी की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें एक बार चेक कर लोगे और फिर आपको सभी के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, जिससे आपको बुक खरीदोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर बुक खरीदना चाहते हो, ओके। तो आई होप मैंने आप सभी लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, फटाक से आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। Bye-bye, guys. Subscribe.